हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक किसी व्यूअर की तरफ से नहीं है। मैं मूवी हॉल से मूवी देखने के बाद बाहर निकला तो एक साहब ने मुझसे पूछा, क्या यह मूवी देखने के लायक है? तो मैंने कहा हाँ, यह मूवी देखने के लायक है। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ हम कहते हैं कि कोई काम करने के लायक है, या कोई चीज खाने के लायक है, या कोई चीज यूज करने के लायक है, या कोई चीज घूमने के लायक है, कैसे बोलेंगे? तो आइए फ्रेंड्स, सीखे कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलनी है। फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे इजारम, फिर आप वर्थ के साथ आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहनी हो यह मूवी देखने के लायक है तो आप कहेंगे दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहनी हो यह गेम खेलने के लायक है तो आप कहेंगे दिस गेम इज वर्थ प्लेइंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहनी हो यह कलम लिखने के लायक है या यूज करने के लायक है तो आप कहेंगे दिस पेन इज वर्थ यूजिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ रही है कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना हो कि कोई नाउन किसी चीज के लिए लायक है या काबिल है या योग्य है, तो आप सब्जेक्ट इजारम वर्थ प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सेंटेंस आप नेगेटिव में बोलना चाहें, जैसे यह मूवी देखने के लायक नहीं है, तो आप कहेंगे दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग। यह लैपटॉप यूज करने के लायक नहीं है, दिस लैपटॉप इज नॉट वर्थ यूजिंग। यह फल खाने के लायक नहीं है, दिस फ्रूट इज नॉट वर्थ ईटिंग। यह बाइक चलाने के लायक नहीं है, दिस बाइक इज नॉट वर्थ राइडिंग। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप किसी से क्वेश्चन करें कि क्या यह बाइक चलाने के लायक है, तो आप कहेंगे इज दिस बाइक वर्थ राइडिंग। क्या यह पानी पीने के लायक है, इज दिस वाटर वर्थ ड्रिंकिंग। क्या यह मोबाइल यूज करने के लायक है, इज दिस मोबाइल वर्थ यूजिंग। क्या यह चैनल देखने के लायक है, इज दिस चैनल वर्थ वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट बड़े शानदार तरीके से समझ में आया कि जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई एक नाउन किसी के लायक है या योग्य है या काबिल है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बड़े आराम से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप इस टॉपिक को समझे तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर लिखा हो दिस इंग्लिश चैनल इज वर्थ वॉचिंग, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक दिलचस्प लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।